मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता, चाहे वो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो या फिर कोई परीक्षा। अपने प्रयासों के पक्षी को इंसान चाहे तो कितनी बड़ी उड़ान दे सकता है, और इसी के जीते जागते उदाहरण है आज के युवा, जो लगातार अपने सपनों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी तक की जोर लगा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। फिरोजाबाद के दो होनहारों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि मेहनत और अपने सपनों को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जरूरत होती है तो बस एक लक्ष्य की, जिसे हासिल करने के लिए अगर एक बार ठान लो तो हर ऊंचाई आपके कदमों में होगी। जी हाँ, हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे एक छोटे से परिवार की बेटी ने पूरे देश में अपने नाम के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मान्या सिंह की, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से आयोजित पीसीएस परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित हो चुका है। इसमें गुदड़ी के लाल ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पीसीएस 2019 में फिरोजाबाद के दो सगे भाइयों मोहित यादव और रोहित यादव ने न सिर्फ अच्छे अंकों से बल्कि अच्छे रैंक के साथ सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के सिंहपुर के रहने वाले अशोक यादव के दोनों जुड़वा बेटों मोहित यादव और रोहित यादव का पीसीएस परीक्षा में चयन हुआ है। मोहित यादव ने 30वीं रैंक हासिल की है, जिससे उनको एसडीएम की पोस्ट मिली है, जबकि मोहित के बड़े भाई रोहित यादव ने 33वीं रैंक पाई है, जिसके लिए उनका नायाब तहसीलदार के रूप में चयन हुआ है। दोनों ने ही अपने सफलता का श्रेय अपने पिता अशोक कुमार और माँ कमलेश देवी को दिया है। गौरतलब है कि मोहित और रोहित के पिता अशोक कुमार मथुरा के थाना कोतवाली नगर में तैनात हैं और माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। वहीं जब दोनों के रिश्तेदारों को इस बात की सूचना मिली तो वो फूले नहीं समा पाए। सुबह से ही दोनों को आशीर्वाद और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही लोगों का उनके घर पर तांता लगा रहा। इस दौरान सभी ने एक ही चीज कही कि वाकई सिपाही जी के दोनों जुड़वा बेटों ने तो इतिहास रच दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।